नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय चैनल दी हेल्थी पिंग में। डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोगों के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चार ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके लंग्स को डिटॉक्स यानी आपके फेफड़ों की गंदगी को बाहर निकालेंगे। दोस्तों फेफड़ों में जमा गंदगी को निकालना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। दोस्तों खराब लाइफस्टाइल और असंतुलित खान पान, गलत आदतें जैसे स्मोकिंग और इन्वायरमेंट का खराब होना, पोल्यूशन होना, इन सब के कारण आज के समय में हमारे फेफड़ों में बहुत सारी गंदगियां जमा हो जाती हैं। ऐसे में हेल्दी डाइट फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए फेफड़ों को समय समय पर डिटॉक्स करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। फेफड़े शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो शरीर तक ऑक्सीजन पहुँचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर ऐसे लोगों के पास उठते बैठते हैं जो स्मोकिंग करते हैं तो उसका धुआं आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है और आपके लंग्स को नुकसान पहुँचाता है। दोस्तों आजकल की पॉल्यूशन और जहरीली गैसें हमारी बॉडी में जाकर जमा होने लगती हैं और फेफड़ों में जाकर बलगम पैदा करती हैं, जिससे जो सांस लेने का जो रास्ता होता है वो पतला हो जाता है। जो हमारी सांस की नलियां होती हैं वो काफ़ी पतली हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और जो हमारे लंग्स होते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। दोस्तों हर्बल ड्रिंक्स का सेवन करने से आप इन लंग्स की सफाई कर सकते हैं और अपने लंग्स को फिर से हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों लंग्स डिटॉक्स करने का जो पहला ड्रिंक है वो है दालचीनी का पानी। दोस्तों दालचीनी का पानी वजन कम करने के साथ ही फेफड़ों की गंदगी निकालने में भी अधिक असरदार होती है। दालचीनी की एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन और जो स्वेलिंग होती है, जो सूजन होती है, उसको रोकने का काम करती है। यही नहीं, फेफड़ों को साफ कर आपके सांस संबंधी समस्याओं को भी ठीक करने में मदद करती है। दालचीनी के पानी के नियमित सेवन करने से आपके फेफड़े पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। इसके लिए आप रात को आधा चम्मच चीनी को एक बड़े गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट पी सकते हैं। दूसरा, हल्दी और अदरक का ड्रिंक। दोस्तों हल्दी और अदरक को फेफड़ों की सफाई के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक माना जाता है। हल्दी में पाए जाने वाले कर्क्यूमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और अदरक में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपके फेफड़ों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में काफ़ी मददगार होती हैं। हल्दी और अदरक का एक साथ सेवन करने से आपके अस्थमा की भी समस्या दूर होती है। अगर आप पहले से ही फेफड़ों से संबंधित किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो अदरक और हल्दी की ड्रिंक का सेवन जरूर करना आपको चाहिए। इसके लिए एक चुटकी हल्दी को एक छोटे से अदरक को पीस के इन दोनों को मिक्स करके एक बड़े गिलास पानी में डालकर आप इसे सुबह पी सकते हैं। तीसरा, मुलेठी की चाय। दोस्तों फेफड़ों में जमा गंदगी को निकालने के लिए मुलेठी की चाय पीना काफ़ी इफेक्टिव होता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो ये आपके लिए एक जरूरी ड्रिंक है। मुलेठी के चाय का नियमित सेवन करने से आपके हृदय रोग होने की आशंका भी कम होती है। इसके एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपकी सांस संबंधी समस्याओं को भी काफ़ी हद तक कम करने में सक्षम होते हैं। शोध की माने तो ये आपके अस्थमा की समस्या को भी ठीक करने में फायदेमंद होती है। दोस्तों आप आधी चम्मच मुलेठी को एक बड़े गिलास पानी में डालकर बॉयल कर चाय बना सकते हैं या फिर आप मुलेठी को अपनी नॉर्मल चाय में भी डाल सकते हैं। चौथा, गर्म पानी और शहद। दोस्तों गर्म पानी और शहद जहां वजन कम करने में कारगर माना जाता है, वहीं इसका सेवन करने से आपके फेफड़े भी डिटॉक्सिफाई होते हैं और ये फेफड़ों में जमे कफ को भी बाहर निकालता है। यह ड्रिंक आपके फेफड़ों तक पहुंचकर अंदरूनी रूप से कफ और गंदगी को आसानी से बाहर निकालने में मदद करती है। इसमें पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन को रोकते हैं। यही नहीं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो धुएं और प्रदूषण को फेफड़ों में हार्म पहुंचाने से रोकते हैं। और यही नहीं, गर्म पानी और शहद आपके फ्री रेडिकल से छुटकारा दिलाता है और फेफड़ों में आई सूजन को भी कम करने में मदद करता है। दोस्तों अब जानते हैं कि इन ड्रिंक्स को लेते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों इन ड्रिंक्स को लेते समय उन शुगर के रोगियों को ध्यान रखना चाहिए जो शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि मुलेठी और दालचीनी आपकी शुगर को और कम कर सकती है और शहद वाला ड्रिंक शुगर मरीज वाले की शुगर भी बढ़ा सकता है, इसलिए इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना लंग्स डिटॉक्स करने के चार ड्रिंक्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपनी फैमिली जरूर शेयर करें ताकि सभी की नॉलेज बढ़ सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली ऐसी नई हेल्थ वीडियो में, तब तक के लिए।